भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव की कृपा से अपन सभी को प्राप्त हुआ है। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी त्रिलोकी के नाथ भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव जो जीवन का एक आनंद सुख प्रदान करने वाले हैं, भक्ति के मूल बिंदु को प्रकट करने वाले हैं, ऐसे भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव की पावन शिव महापुराण की कथा माँ गंगा के पावन घाट पर, पावन तट पर, इस प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की पुण्यमय पावनमय धरा पांडितारा में स्वर्गीय श्री राज बहादुर सिंह की स्मृति में उनकी धर्म पत्नी श्रीमती बिंद्रा देवी के शुभ आनंद सहयोग से उनके पुत्र और पुत्र वधुओं द्वारा, बघेल परिवार द्वारा इस भगवान भूत भावन भूतेश्वर की पावन कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। बड़ी मुश्किल से मिलती है शिव कथा, और बाबा अगर कृपा करे, दया करे, करुणा सागर करुणा करे, तो जीवन का सर्वाधिक सुख भगवान भूत भावन भूतेश्वर शिव के चरणों में प्राप्त हो सकता है। कोरोना महामारी के चलते हुए बाप जगत का पिता, हम कहते हैं ब्रह्मा के पिता हैं भगवान विष्णु, क्योंकि नाभि से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा के पिता हैं भगवान विष्णु, पर भगवान विष्णु के अगर कोई पिता हैं, स्वयं ब्रह्मदेव ने पूछा कि आपका पिता कौन, और ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर एक खंभे का, एक सुंदर पर्वत का घर्षण करना प्रारंभ करा, एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और उस पर्वत के घुमाने से एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई, उस लिंगायत आकृति से आवाज आ गई कि हे नारायण, तुम मुझे पहचानना चाहते हो। भगवान विष्णु हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपको कौन नहीं जानता, मैं तो जानता हूँ आप, परंतु ये ब्रह्मा के मन में आश्चर्य पड़ा हुआ ना कि मेरा पिता कौन है, जगत का नारायण और नारायण का पिता है कौन आखिर। मेरे मन में संशय नहीं है, चिंता दूसरों को होती है, ऐसा बड़ा टेंशन है दूसरों को, अपने को चिंता नहीं इतनी हो जितनी दूसरों को चिंता है। इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, ना जाने शादी कब करेंगे, अरे बच्चे उनके सही है कि गलत है, बड़े भी हो गए तो उनके घर में हो गए, पढ़े लिख गए तो उनके घर में लिख गए, पर टेंशन इनको हो गई कि बताओ इतने बड़े बड़े हो गए, फिर टेंशन हो गया इतनी सारी जमीन खरीदते जा रहे हैं, करेंगे क्या, सारी फैक्ट्रियां लाकर यही गांव में पांडे तारा में ही तो ना डाल देंगे, बड़ी चिंता। एक बिल्डिंग बन गई, ये उसी में का हाल हो गया। अरे बाबा, जैसे एक बुढ़िया बाहर बैठी थी और उसके सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई, और जैसी कपास की गाड़ी निकल कर गई तो बुढ़िया के मन में आया, इतना कपास गाड़ी भरकर, राम जी राम, कितने का बिकेगा, और बिकेगा तो कितना पैसा आ जाएगा, और पैसा आ जाएगा तो इनकी तो बिल्डिंगें बन जाएगी। बुढ़िया टेंशन टेंशन लेके चक्कर खा के नीचे गिर गई। घर के बेटे आए, बुढ़िया को उठा कर ले गए तो पानी का छींटा दिया, पर बुढ़िया नहीं उठी, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब हमारी अम्मा को कुछ हो गया। अम्मा को क्या हो गया, अम्मा को देखा तो बढ़िया है, सांस भी अच्छी चल रही है, इसका सब बीपी मीपी शुगर मुगर सब बढ़िया, फिर इस पर पानी का छींटा दो, उठाया नहीं उठा,
अम्मा नहीं उठ रही साहब, डॉक्टर साहब देखो जरा, आधा घंटा हो गया अम्मा नहीं उठी, पूरे गांव में खबर हो गई कि बेचारी वो अम्मा बाहर बैठी थी और चक्कर खा के गिर गई, ना जाने उसको क्या हो गया, उठ ही नहीं रही है। इसको तो उठाया, उठ ही नहीं रही है। तब एक पड़ोसन को मालूम पड़ा, और पड़ोसन इसके पास बहुत बैठती थी, तो पड़ोसन आई, क्या हो गया जीजी को, हुआ क्या, कि बस सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई और जीजी चक्कर खा के गिर गई। इतने में पड़ोसन ने कहा, चिंता मत करो, सब हट जाओ यहाँ से, अभी थोड़ी देर में उठ जाएगी, तुम चिंता मत करो। और ये बाहर गई पड़ोसन और दौड़ती दौड़ती आई और आकर बोली, जीजी उठ, अरे जीजी उठ, तेरे सामने से जो कपास की गाड़ी गई थी ना उसमें आग लग गई। जीजी उठ के बैठ गई, जीजी तुरंत उठ के बैठ गई। क्यों? क्योंकि जगत संसार को आप अगर आगे बढ़ रहे हो, जगत संसार को आप अगर अग्रण्य भाव में बढ़ते जा रहे हो, जगत संसार में अगर आप कुछ अच्छा करते चले जा रहे हो, तो दुनिया के लोगों को टेंशन में आ जाते हैं और टेंशन लेते लेते ही बस यही सोच सोच के मर जाते हैं, इतने बड़े बच्चे हो गए, इनके शादी कब करेगी, इतनी जमीन ले ली, ना जाने क्या होगा, मकान काय को बना लिया, जब सभी की सभी को मुंबई में रहना था तो गाँव में बनाने की जरूरत का थी, और बनाना भी था तो ये कई कमरा बनाना था, 12 काय को बनाए। अरे 12 इन्होंने इसलिए कमरे बनाए कि एक ज्योतिर्लिंग का एक कमरा, 12 कमरे कितने ज्योतिर्लिंग के हो गए, अरे बोलो तो सही। अरे इनको मालूम था किसी और वाला महाराज आएगा, अकेले नहीं आएगा, एक एक हर ज्योतिर्लिंग का एक शंकर लेकर आएगा और हर कमरे में एक शंकर रहेगा, इसलिए 12 बनाए हो, टेंशन मत लीजिएगा। शिव करुणा सागर पर चिंता हमें व्याप रही है, हम सोच रहे हैं होगा क्या, छोड़ दो, पीछे वाले डब्बे में वो बैठा हुआ है, तुम 2 कदम आगे बढ़ते हो, तुम्हारे पीछे पीछे सपोर्ट करने के लिए मेरा कालों का काल महाकाल पीछे से चलता रहता है, पीछे से, आगे क्यों नहीं आता गुरुदेव? आप कहते हो कालों का काल महाकाल चल रहा है तो आगे क्यों नहीं आता, किस लिए? शिव कहता है कि मैं सम्मुख में आऊंगा तो तेरी शान घट जाएगी, मैं पीछे रहकर तुझे आगे बढ़ाता हूँ, जब तू आगे बढ़ जाता है तो मेरा नाम लेता है तो मुझे उसमें खुशी होती है। माँ, एक घर की माता सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होती है, जल्दी उत्तर दो रे भैया, बहुत प्रेम से उत्तर देना हो, घर की माँ सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होगी? घर की बूढ़ी माँ सबसे ज्यादा प्रसन्न जब होती है जब बच्चा कहता है मम्मी भूख लगी है, तो माँ भी कहती इतना बड़ा हो गया अपनी धर्मपत्नी से के वो बउवो बोल वो लाएगी तेरे लिए भोजन बनाकर लाएगी, दाल बनाकर लाएगी, तब बेटा कहता है मम्मी दाल तो तेरे हाथ की अच्छी लगती है माँ तू बना कर ला, तब माँ प्रसन्न हो जाती है। माँ को धन नहीं चाहिए, माँ को दौलत नहीं चाहिए, माँ को संपदा नहीं चाहिए। आज नवरात्र का तृतीय दिवस है, आज गणगौर का दिन भी है, आज सौभाग्य तीज भी है, ये जगत जननी जगदम्बा तुम्हारी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होती, ये जगत जननी जगदम्बा तुम्हारे आभूषणों से प्रसन्न नहीं होती, ये जगत जननी जगदम्बा तुम्हारे मेवे और पकवान से प्रसन्न नहीं होती, ये जगत जननी जगदम्बा केवल तुम्हारा भाव देखती है कि मेरा पुत्र मेरा बेटा ये संसार का मानव मुझे कैसे रिझा रहा है, ये मुझे कैसे मना रहा है, उसकी प्रसन्नता केवल एक भाव से। केवल एक भाव। और जब निर्मल मन निर्मल विचार निर्मल सोच निर्मल बुद्धि निर्मल चित्त हमारे भीतर का आ जाता है महाराज, तब दुनिया का संपूर्ण सुख हमारे सम्मुख में हो जाता है। केवल मन, केवल मन। और ये मन ये चित्त ये वृत्ति शिव के साथ जब लग जाए
भगवान शंकर का जब शिवलिंग प्रकट हुआ तो भगवान शंकर ने पूछा, मुझे प्रकट करने का कारण क्या था? क्या आप नारायण को ये पता नहीं था कि मैं आपका पिता हूं? क्या ब्रह्मदेव को ये मालूम नहीं था कि मैं इनका दादा हूं? कौन है? जब संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, संपूर्ण पृथ्वी जब नष्ट हो जाती है, तब आखिरी में रहता ही कौन है? एक पानी का बुलबुला, और बुलबुले में भी एक बिंदु, एक बिंदु। कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाकर देखिएगा, वहां से अगर आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वहां की बहन जी बताती हैं कि मात्र अगर इस संसार की रचना का केंद्र बिंदु कोई परमात्मा है तो एक बिंदु है, वो बिंदु कोई दूसरा नहीं, आद्य शक्ति भगवान शिव ही, शंकर ही। उस ब्रह्म कुमारी आश्रम में बताया जाता है, बहन जी बताती हैं कि ये बिंदु ही शंकर है, उस शंकर से ही सर्व जगत की उत्पत्ति है, उस शिव से, उस शंकर से, उस कैलाशी से, उस त्रिकालदर्शी से सर्व जगत की उत्पत्ति है। जैसे मकड़ी जाले को बना देती है और भगवान शंकर भी उसी तरह जाले को निर्मित कर देते हैं, संसार को निर्मित कर देते हैं। पर जब देखते हैं कि संसार के लोग मुझसे दूर हो गए, ये संसार के लोग भजन चित्त वृत्ति से दूर हो गए, इनके भीतर का अहंकार जाग गया है, अहमता जाग गई है, और दिन भर एक बात कहते हैं कि मैं हूं, मैं कर रहा हूं, अगर मैं दुकान नहीं जाऊंगा तो काम नहीं होगा, मैं घर नहीं चलाऊंगा तो काम नहीं होगा, मैं फैक्ट्री नहीं चलाऊंगा तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, अगर मैं नहीं होऊंगा तो ये काम नहीं होगा। हर व्यक्ति के मन में केवल एक ही बात अड़ जाती है कि मैं हूं तो हो रहा है, मैं हूं तो होगा, अगर मैं नहीं होऊंगा तो कुछ नहीं होगा। कई लोगों के मन में ये भाव, तो भगवान ने इस कोरोना महामारी में पूरे साल में दिखा दिया कि सारा लॉकडाउन लाकर पटक कर तुमको घर में लाकर छोड़ दिया, ना तुम्हारी फैक्ट्री चल रही थी, ना तुम्हारी दुकान चल रही थी, ना तुम्हारे घर में कोई कमाने जा रहा था, ना कोई सामान लेने जा रहा था। फिर ये बताओ कि तुम्हारा घर कौन चला रहा था? घर चलाने वाला वो आदिशक्ति भगवान शिव ही था, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो शंकर ही था। भगवान शिव को दिखाना था कि ये मैं हूं, इसलिए रुद्रष्टाध्याय में आया, आकाश पताल सर्वस्व में कोई दूसरा नहीं, तलातल में मैं हूँ, रसातल में मैं हूँ, जलचर में मैं हूँ, थलचर में मैं हूँ, वायुचर में मैं हूँ, तुम्हारी श्वासों में मैं रमण कर रहा हूँ, तुम मुझे पहचान गए, फिर संसार सागर का कोई दुख तुम्हारे सम्मुख में नहीं आ सकता। फिर कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट हमारे जीवन में, हमारे सम्मुखता में कैसे प्रकट हो सकता है, कैसे आ सकता है? आप अगर दिल से परमात्मा को रिझा रहे हो, आप अगर दिल से परमात्मा को बुला रहे हो, तो उस परमात्मा को तुम्हारे सम्मुख में होना जरूरी है। फिर वही बात आ गई, बच्चा घबराया तो पिता ने जेब में एक पर्ची डाल दी, वो पर्ची केवल उस बालक की जेब में नहीं है, वो पर्ची केवल एक बालक की जेब में नहीं, वो पर्ची भगवान जब हमें पैदा किया, संसार सागर में जब उसने भेजा, माता के गर्भ से जब हमने जन्म लिया, वो पर्ची भगवान ने अपनी जेब में भी डालकर भेजी है। इस मन में एक पर्ची को रख दिया गया है कि जब तू दुख लगे, जब तुझे कष्ट लगे, जब तुझे लगे कि अब कोई साथ नहीं दे रहा, तब चिंता मत करना, वो पर्ची को निकाल लेना कि पीछे मैं खड़ा हूँ, तो चिंता मत करना, मैं तेरे साथ में हूँ, अगर सुख में हूँ तो दुख में भी तेरे साथ में हूँ। क्यों चिंता कर, क्यों चिंता? आज तीज है सौभाग्यवती, केवल 7 दाने चावल के जल के पात्र में चंदन में भिंगो कर डाल देने पर, और उससे कामना कर आरोग्यता की कामना कर मात्र घर के
जो मटका होता है, परिंडा होता है, उसके पास में समर्पित कर देने पर भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर जीव की रोग से मुक्ति भी हो जाती है, रोग नहीं घेरता उसको, आरोग्यता का अनुभव, आरोग्यता का सुख प्राप्त होता है। शिव महापुराण के लिए लोग कहते हैं, कई लोगों के, कई विप्रजन, कई ब्राह्मण जन भी पूछते हैं, गुरुदेव ये बताओ कि इतने सारे उपाय आप बताते हो पुराणों में से निकाल कर, और हम भी प्रयास करें इसको निकालने के लिए, तो हम कौन सी पुराणों में ढूंढे? तो आपसे भी निवेदन है, स्कंद पुराण से निकालिए, लिंग पुराण से निकालिए, नर्मदा पुराण से निकालिए, देवी भागवत से निकालिए, श्रीमद् भागवत से निकालिए, शिव महापुराण से निकालिए, गर्ग संहिता से निकालिए, पद्म पुराण से निकालिए, राधा वल्लभी से निकालिए, एक एक पुराण में से, एक एक चरित्र में से, और तो और हम तो सहज भाषा में कहते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर की सारी गीता प्रेस गोरखपुर के अंकों को लेकर आ जाइए, चाहे शिव अंक हो, चाहे सती अंक हो, चाहे पार्वती अंक हो, चाहे मानस अंक हो, चाहे धेनु अंक हो, एक एक भगवान गीता प्रेस का एक एक अंक खरीद कर लेकर आओ, कल्याण का एक एक अंक तुम्हारे पास में लेकर आओ, और उस अंक में से एक एक उपाय को निकालने का प्रयास करो, आपको सारे उपाय मिल जाएंगे जो इस व्यासपीठ से बताए जाते हैं, सारे उपाय आपके सामने आ जाएंगे कि जो व्यासपीठ से दिए गए, सारे उपाय आपके सम्मुख में, आप निकालो और उसको पढ़ो और उसको लाइए, बस दबा दिया गया। आज ढोंग प्रपंच छल ने, दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण के उपायों को, शंकर की कथा को दबा दिया था। सारी पुराणें होती थी पर शंकर की पुराण नहीं होती थी महाराज, दबा दिया गया था। और शिव महापुराण को केवल जगत में लेकर आना चाहते हैं कि शंकर को दुनिया पहचाने, शिव की साक्षी को पहचाने, शंकर है क्या, शिव का अनुमोदन क्या है। दुनिया के लोग टीवी के माध्यम से फिल्मों का निर्माण कर कह देते हैं कि इस पर दूध चढ़ाना क्यों चढ़ा रहे हो, गरीब बच्चे को दूध पिला दो, ऐसा क्यों कर रहे हो। उस शंकर को जगत तक पहुंचाना है कि शंकर पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर दही क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर बिलपत्री का महत्व क्या है, शंकर पर शमी पत्र का महत्व क्या है, क्यों शंकर भगवान को शमी के वृक्ष का मात्र 7 फूल चढ़ा देने पर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्यों कहा जाता है। उसको निकालो, उसको समझो, उसको पढ़ो, उसको अपने जीवन में उतारो। सारे देवी देवताओं को बहुत सा सामान चाहिए होगा पर मेरे विश्वनाथ को कुछ नहीं चाहिए, मेरे शंकर को चाहिए क्या। अगर आपके जीवन में ऐसा लगे कि बहुत बड़ी बीमारी आ गई और आपके घर का व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, तो शमी के वृक्ष के फूल ले आओ 7, और शमी के वृक्ष के 7 फूल लाकर एक एक फूल शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस व्यक्ति के लिए जो पड़ा हुआ है, अंतिम सांसे गिन रहा है, जिसको अटैक आ गया, अंतिम सांसों में जो गिन रहा है, उसके नाम से भगवान शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 7 पुष्प, उस शमी के वृक्ष के 7 पुत्र, 7 पुष्प आप शिव को समर्पित करिए, उसका नाम और गोत्र बोलकर, और भगवान शंकर का मूल मंत्र श्री शिवाय जम के बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक एक शमी का फूल शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। फिर आगे वो विश्वनाथ की मर्जी है, वो प्राण कैसे लेकर वापस आता है, उस काल से छुड़ाकर महाकाल कैसे लाता है, ये वो जाने। आपका फर्ज केवल आप अदा करिए। जब अंत में डॉक्टर भी हार जाते हैं, जब अंत में डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे बस का नहीं है, अब तो उस परमात्मा के हाथ में, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक और डॉक्टर बैठा हुआ, एक डॉक्टर और है, वो बस वो थोड़ा सा दूर तो रहता है पर करीब भी बहुत है। कई लोग कहते हैं गुरुजी वो कैलाश पर रहता है बहुत, तो उनको बुलाएंगे तो आएंगे, हमने कहा कैलाश पर तो रहता ही नहीं है, जहाँ भक्त है वहाँ भगवान, वो दूर तो रहता ही नहीं, आप तो बस केवल उसको बुलाने का प्रयास करिए, आप दिल से बस उसको हाजिर, वो दिल से बुलाओ तो उसको। ये बघेल परिवार का बालक ने टीवी पर कथा सुनकर मन में सोच लिया था कि शिव महापुराण की कथा कराना। ये बालक कहता है कि गुरुदेव हमने तो सोचा ही नहीं था कि आप गांव के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव, वहाँ प्रतापगढ़ से रानीगंज, रानीगंज से फिर या
कौन सा गाँव, पांडतारा में है, कथा करने आ जाओ। भजन करा, खूब शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ाई, सियोर वाला महाराज बोला था ऐसा पूजन करो, खूब करा, उसके बाद भी दुख मिला, कहाँ से मिला? नहीं नहीं, शंकर जी से कह देना हम सियोर वाले महाराज को नहीं जानते, हम तो आपको जानते, कथा के माध्यम से हम आपको पहचानने लगे। रुक्मणी जी जब सिंहासन पर बैठती थी और नारद जी आकर ज्ञान देते थे तो रुक्मणी ने कृष्ण को कभी नहीं देखा था एक बार भी, पर रुक्मणी जो सुनती थी तो कृष्ण से प्रेम करने लगी थी। बस वही इसने आपका शिव से हो जाए। ये जो प्रेम होता है ना, इस प्रेम में होता ही ऐसा, जिससे आप प्रेम करते हो ना उसको दुख होता है ना, तो जो आपसे प्रेम करता है ना दुख उसको ज्यादा होता है। बताओ, ओ, उसका मोबाइल ले लिया, उससे बात नहीं करने दे रहा, मैं उसको दूसरा दिला दूंगा। शंकर, ये प्रेम वाली बात है। अगर हम शिव से स्नेह करते हैं तो दुख तुम्हारा होगा, तो रोने वाला शिव होगा, कष्ट मिटाने वाला शंकर होगा। अगर शंकर से लगन लगाई है, शिव का स्मरण किया है, शंकर का अनुमोदन करा है, तो दुख तुम्हारा होगा, कष्ट तुम्हारा होगा, तकलीफ तुम्हें आएगी, और मिटाने वाला मेरा शंभू होगा, आने वाला शिव होगा, शंकर होगा। कि इसका मोबाइल छुड़ा लिया तो जो प्रेम करने वाला होता है ना वो दूसरा मोबाइल दिलवा देता, ले 5,000 का दूसरा। और अगर मम्मी ने ये भी ले लिया तो चिंता मत कर, और दूसरा दिला दूंगा। शंकर जी भी ऐसा ही, तू मुझसे प्रेम करता है, तेरे को अगर दुख आया चिंता मत करना, दुनिया ताने देगी, गाली देगी, अपशब्द कहेगी, मैं बैठा हूँ पीछे से डब्बे में, तो मैं ही हूँ ना पीछे, चिंता क्यों करता। और अगर दुनिया की वस्तु कुछ ले भी ली तो मैं बैठा हूँ, क्यों चिंता करना। अभी एक ये प्रश्न है, देखो आप, संजीत जी द्विवेदी हैं, भगवान शिवनगर से, प्रतापगढ़ से हैं, कहाँ बैठे हैं? अच्छा संजीव जी आप ही हैं, आपने एक प्रश्न किया है गुरुदेव कि आपने तुलसी जी का महत्व समझाया, रुद्राक्ष का महत्व समझाया, पर हम आप कहते हैं कि गले में तुलसी हो रुद्राक्ष हो स्नान करने जाएं तो वो पानी शरीर पर आता है तो गंगा यमुना सरयू सरस्वती का फल मिल जाता है, पर हमारे को ऐसा सुनने को मिलता है कि रात को तो तुलसी की माला रुद्राक्ष की माला उतार दी जाती है, फिर हम सुबह स्नान करने जाते हैं तो वो जल तो रहता ही नहीं। पहली बात तो संजीव जी, शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है, हर पल जपो। तो यहाँ शास्त्र कहता है कि गले में जो तुमने तुलसी की माला धारण करी है या रुद्राक्ष पहना है उसको उतारने का महत्व नहीं है कहीं पर भी, कि आप इसको उतार को रात पर सोइए बैठिए। बहुत सुंदर प्रश्न करा आपने, जगत कल्याण के लिए। ये सभी के मन में प्रश्न आता है कि हम तुलसी की माला पहने या हम रुद्राक्ष, बैठिए, रुद्राक्ष की माला पहने तो हम रात को उतार दें, कौन कहता है? आप तो तुलसी रुद्राक्ष, कभी शमशान में भी आप पहनकर चले गए, कभी हॉस्पिटल में भी आप पहनकर चले गए, कभी किसी सूतक सुए के घर में भी आप पहनकर चले गए, तो ना तो तुलसी ना रुद्राक्ष ये दोनों कभी अशुद्ध नहीं होते। जैसे गंगा का जल जहां भी रख दो वो हमेशा शुद्ध ही रहता है, उसी तरह तुलसी और रुद्राक्ष भी शुद्ध है, वो कभी अशुद्ध नहीं होते। कौन कहे आपसे कि आप इसको उतारो, और मालूम पड़े अपन उतार के रात को सो और रात के प्राण निकल गए तो भाई जीवन का क्या भरोसा है? कौन ने देखा, किसने देखा, कब देखा? तो यहां तो शास्त्र कहता है कि बिना तुलसी के भगवान जब भोग ग्रहण नहीं करता तो बिना तुलसी के भगवान तुम्हें बेकुंठ कैसे घुसने देगा, प्रवेश कैसे देगा? बिना बेलपत्री के शंकर कुछ अंगीकार नहीं करता तो बिना रुद्राक्ष के शिव कैलाश कैसे लेकर जाएगा? और प्राण अगर रात को निकल गए तो, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि गले में अगर तुलसी की माला होगी रुद्राक्ष की माला होगी तो कम से कम ये काम तो आ जाएगी। नहीं तो मरने के बाद ईमानदारी से बोलना रे, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने ये
पांडे तारा में कथा सुन रहे हो, प्रतापगढ़ के जितने लोग कथा का श्रवण कर रहे हो उनसे निवेदन है, ईमानदारी से बोलना, मरने के बाद व्यक्ति जिस गद्दे पर सोता है वो गद्दा बाहर फेंक दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है, अच्छे से तो बोलो, सही है। व्यक्ति जिस दरी पर मरा उस दरी को बाहर फेंक दिया जाता है, व्यक्ति जिस चादर को ओढ़कर मरा वो चादर बाहर फेंक दी जाती है, व्यक्ति जिस कपड़े को पहना वो कपड़े बाहर फेंक दिए जाते हैं। अब ईमानदारी से बोलो तो व्यक्ति जिस चेन और अंगूठी को पहना वो उसका क्या होगा? मान लो उसने चेन अंगूठी पहन रखी, अरे पांडे तारा वालों जल्दी बोलो उसका क्या करना है? नीचे चेन अंगूठी का क्या करना है फिर अपने को? है माताएं बोल रही कि रख लेंगे, और वो कपड़े वो फेंक दिए, वो दरी वो फेंक दी, वो मरने वाले के नीचे दरी भी बिछाते तो ऐसी बिछाते जिसका पूरा कलर चले गया, मरने वाले के ऊपर चद्दर भी बिछाएंगे तो ऐसी बिछाएंगे जो पूरी धुल के जिसका कलर चले गया, बेकार फेंकने वाली वो उड़ा देंगे, कपड़े भी ऐसे और सब सामान फेंक देंगे, पर कोई चेन वो सोने की इतनी मोटी चेन पहन के बैठ, भले मोटी नहीं हो पतली हो तो कोई फेंकेगा नहीं, अंगूठी नहीं, और सोने की बटन लगाता काका जी तो बटन कुर्ता फेंका तो फेंक दे नहीं, कौन फेंकेगा? कोई। तो मतलब अंदाजा लगा लो कि दुनिया के लोग तुमसे प्रेम नहीं करते, दुनिया के लोग तुमसे दिखावा करते हैं, प्रेम तो उनको सोने और चांदी और प्रॉपर्टी से है, इसलिए तो नहीं फेंकी, नहीं तो तुम्हें तो फेंक देते। कब का? जब तुम्हारे कपड़े फेंक दिए, तुम्हारी दरी फेंक दी, तुम्हारी चादर फेंक दी और तुम्हें नहीं रखा मरने के बाद, तुम्हें ले जाकर शमशान में फेंक दिया, संभाल के तो केवल चेन अंगूठी रखी, संभाल के तो तुम्हारे आभूषण वगैरह रखे, तो फिर मतलब क्या है? दुनिया के लोग तुमसे कहाँ का प्रेम करते हैं? दुनिया के लोग तो केवल प्रेम करते हैं तुम्हारे धन और दौलत से, तुम्हारी संपदा से। जब व्यक्ति की गरीबी आती है ना तो दुनिया के लोग सोचते हैं कहीं मांगने ना आ जाए, और दुनिया की जब अमीरी आती है तो दुनिया के लोग कहते हैं कि ना जाने कहाँ डाका डालकर लेकर आया होगा। विचार करिए संसार की, इस दृष्टि को विचारिए जरा कि क्या दृष्टि है लोगों, क्यों? इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर कहां रहते हैं? जम के बोलो, शमशान में। शिव शमशान में निवास करते हैं क्योंकि उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, हे शंकर मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान बड़े खुश हुए, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा, प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा, इतनी सुंदर जगह पर मुझे रहने की व्यवस्था दे दी, वहां कौन कब्जा करने जाएगा। बस सबसे ज्यादा दुख था शमशान में रहने पर तो पार्वती जी को दुख था, पार्वती जी हमेशा शंकर जी से कहती थी अपन शमशान में रहते हैं अपने को कौन मिलने आएगा, शंकर जी बोले चिंता मत कर नहीं आएगा तो बांध के लाया जाएगा, और जो एक बार आ गया दूसरी बार कभी नहीं जाएगा। सबसे ज्यादा टेंशन पार्वती जी को था अपने से कौन मिलने आएगा, इतनी दूर मकान बनाएंगे, जंगल में मकान बनाएंगे, गांव को छोड़कर इतनी खेत पे मकान बनाएंगे तो वहां कोई नहीं आएगा, वहां डर अलग लगेगा। तो शंकर भगवान की कथा देखो, कोई नहीं आएगा, आएगा जब आएगा, और एक बार आ गया तो वापिस जाएगा ही नहीं, रुकेगा फिर क्या करे जाकर। कई लोग हमसे ही कहते हैं अरे गुरु जी आपने वो आपका कुबेरेश्वर महादेव मंदिर बना रहे हो, गौशाला बना रहे हो, वृद्धाश्रम बना रहे हो, तो कहाँ जंगल में बना रहे हो? इसको बनाना था तो कहीं वृंदावन में बनाना था, बड़े बड़े महाराज वृंदावन में आश्रम बना रहे, बड़े बड़े महाराज हरिद्वार में बना रहे, तुम्हें पैसा खर्च करना था तो कहीं तीर्थ में करना था, ऐसी जगह जहाँ लोग आते जाते रुकते, कमरे में रुकते तो थोड़ा पैसा देते तो कमरे का खर्चा निकल जाता। तो हमने कहा हमने कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बनाया है, गौशाला बनाई है, वृद्धाश्रम बनाया है, वहां पर एंजॉय करने के लिए होटल नहीं बनाया कि आओ एसी के रूम में रुको और एंजॉय करो और चले जा। जिसको आना है वो शंकर जी के लिए आएगा, जिसको आना है वो गौ माता के लिए आएगा, जिसको आना है शंकर से मिलने के लिए आएगा। इसलिए कुबेर भंडारी का जो मंदिर सीहोर से 10 किलोमीटर दूर पर जंगल में जो बनाया जा रहा है उसका कारण केवल इतना है कि यहां जो आएगा केवल शंभू के लिए आएगा, और जो शंकर के लिए आएगा तो कुबेर भंडारी उसके लिए खजाना खोल ही देगा, इसलिए उसको वहां बनाया।
और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो आपको दूंगा जिन जिन लोगों ने उसमें सहयोग करा, दान का एक लकड़ी का गट्ठा हुआ। मेरी थोड़ी ना कह रही, अम्मा बोले तू तो मेरे पीछे पड़ गया, मुझे उठाने आ गया, फालतू हूं मैं। भगवान लक्ष्मी जी को देख के बोले, बहुत चतुर है पांडे तारा की है, साधारण नहीं है। कोई उठे है? एक बात तो है, पांडे तारा में आनंद तो है, कुछ भी हो उत्तर प्रदेश की ये धारा आनंदमय तो है महाराजो, आनंद। अब भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि तुम बोलो, क्या तुम्हें सिर मिला? हाँ, आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, ब्रह्मदेव असत्य बोल रहे हैं। असत्य बोल रहे हैं? हाँ, ब्रह्मा जी बोले आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो पूछ लो। ये केतकी के पुष्प से, केतकी के पुष्प को भगवान ने लिया और पूछा, क्यों केतकी के पुष्प, क्या ब्रह्मा जी को सिर मिला, क्या ब्रह्मा जी को मस्तक मिला? केतकी का पुष्प ब्रह्मा को मस्तक मिला जानकर केतकी का पुष्प बोला, हाँ ब्रह्मा को शीश मिला, ब्रह्मा को सिर प्राप्त हुआ है, ब्रह्मा को मस्तक मिल गया। हाँ, भगवान आकाशवाणी कर कर बोले, ये ब्रह्मा जिस केतकी के पुष्प को लेकर आया है वो झूठ बोल रहा है। एक केतकी के पुष्प, भगवान शंकर कहते हैं केतकी के पुष्प में तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा, और अगर कोई भूल से भी केतकी का पुष्प शंकर को चढ़ा देगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर उसको दोष लग जाएगा। इसलिए केतकी का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है पर भगवान शिव पर नहीं चढ़ता, शंकर पर नहीं चढ़ता। शिव को प्रिय है पुष्प में आंक का पुष्प, जो आंकड़े का पुष्प होता है, शंकर को बड़ा प्रिय है। और दूसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है शमी का पुष्प, बहुत ध्यान देना महाराज। तीसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है महाराज सरसों का पुष्प, सरसों होती है ना, जो राई अपन बोते हैं सरसों बोते हैं, उसमें पीले कलर का जो पुष्प लगता है। हमारा तो निवेदन रहता है जब तक सरसों आए तो प्रयास करा करो कि सरसों के 108 पुष्प शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। महाराज ये पक्का है कि वर्ष भर कोई बड़ी बीमारी आपको घेर नहीं सकती अगर सरसों के फूल शिव को चढ़ रहे हैं तो। और प्रयास करना कि सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है महाराज, अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहाँ ब्लड पहुँच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहाँ शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं, मणिभद्र, शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल हैं मणिभद्र जी, तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ, जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट भाग, मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा हाथ मणिभद्र जी का स्थान। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए, और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं, ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे फिर वापिस आएंगे मणिभद्र के रखने के बाद, और
अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज। उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल लीजिए। शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष में शाम के समय प्रदोष काल में उस तेल को वापस ले जाकर चढ़ा दीजिए, शिव जी को उसको वापस लेकर आ जाइए। उस तेल का प्रयोग आप नाभि में डालिए और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15 दिन 20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग वो शरीर काम करने लगेगा। मणिभद्र का स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर श्री, अरे पहले बोल दिया, हमारे साथ तो बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव के मंत्र का स्मरण कर कर करते सरसों का जो पुष्प है उसमें आनंद की अनुभूति है, आनंद के महाराज शिव औघड़ी है, शंकर औघड़ी, भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान शिव बोल रहे हैं, अरे ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो और तुम केतकी के पुष्प को लेकर आए ये भी झूठ बोल रहा है। असत्य बोलने वाला व्यक्ति असत्य सिखा कर लगता है, मैं फिर निवेदन करूंगा आप सबसे पूरे महीने आप सत्य नहीं बोल सकते ना मत बोलो, पूरे महीने में कम से कम एक हफ्ता बना लो कि मेरे को इस हफ्ते में सत्य बोलना। एक हफ्ते भी सत्य नहीं बोल सकते तो निवेदन है कोई दो दिन ऐसा बना लो कि मैं दो दिन सत्य बोलूंगा। दो दिन सत्य नहीं बोल सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है कम से कम एक दिन ऐसा बना लो कि मैं सत्य बोलूंगा। एक दिन नहीं बना सकते तो कम से कम दो घंटा ऐसा बना लो कि मैं सत्य बोलूंगा। दो घंटा नहीं बना सकते तो कम से कम एक घंटा बना लो कि मुझे सत्य सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सत्य बोलूंगा। पर किसी को बताना मत ही सत्य तुम कि एक घंटे में इसी समय पर सत्य बोलता हूं, नहीं तो उस समय पर पत्नी आ गई और उसने कुछ पूछ लिया तो अच्छा आपत तुम्हारी, फिर सत्य। एक गांव के बहुत विद्वान पंडित जी, बहुत विद्वान, खूब सत्संग करने वाले, खूब पूजन पाठ कराने वाले, खूब विद्वान पंडित जी, और चले गए नरक। तो गांव के लोग कुछ मरने के बाद नरक गए तो उन्होंने अपने पंडित जी को देखा, पंडित जी तुम यहाँ? पंडित जी बोले आओ, तो तुम्हें तो स्वर्ग जाना था तुम नरक क्या कर रहे हो? पंडित जी बोले पत्नी के कारण आया। तो पत्नी ने कैसे भेज दिया कि रोज तैयार होके मेरे सामने आके पूछती थी मैं कैसी लग रही, अब रोज मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि तू बहुत अच्छी लग रही, भले बुरी लगे तो भी कहना पड़ता था कि अच्छी लग रही, अब उसके चक्कर में बेचारा नरक चले गए। तो तुमसे निवेदन है तुम भी अपने पति से कभी मत पूछा करो मैं कैसी लग रही। एक आध दिन सुबह के समय पर अगर वो सत्यवादी बनकर मुंह से बोल दिया जैसे तुमने आकर पूछा क्यों जी कैसी लग रही, और पति बोल दे ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चर रही, अब कितना बुरा लगेगा। तो इसलिए सत्य बेचारा बोल भी नहीं पाता कि बोले तो सत्य कैसे बोले। आज तो हमारे यजमान जिन्होंने पूजन करी वो दोनों पति पत्नी साथ में भी बैठे, जिन्होंने दो दिन पूजन करी तो बेचारा एक यहां बैठती थी एक वहां बैठता था, तो हम भी टेंशन में रहते थे कि आखिर ये दोनों अलग अलग क्यों बैठे, बड़ा सोचना पड़ता था। हर हर भगवान शिव ओघड़ रानी सत्य की मुहूर्त है, आप ना बोल सके थोड़ा सत्य बोलिए साहब, अपनी जिंदगी को सत्यमय जीने का प्रयास करिए। सत्यम शिवम सुंदर, जीवन में सत्य आएगा तो शिव मिल जाएगा और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर बन जाएगा, आप रूप अपनी जिंदगी आनंदमय हो जाएगी।
जीवन को सुंदर बनाने के लिए सत्य की मूर्ति बनना प्रयास करिएगा। हमारे मन में जो आए हम सत्य कह दें, हमारे मुख पर जो आए सत्य कह दें। मरने के बाद तो लोग बोलेंगे राम नाम सत्य। अरे बोलो तो सही, तुम तो घबरा गए, बोलो राम नाम सत्य। मरने के बाद दुनिया बोलेगी, और जब दुनिया बोलेगी तो अपन तो बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अपन तो लेटे होंगे। सत्य बोलने का प्रयास करिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एकदम सत्य निकालना भी बड़ा कठिन है। एकदम अगर सत्य निकल भी जाए ना तो बड़ा कठिन। अब मुंह पर तो बोलना ही पड़ता है, तुम साहब बहुत बढ़िया हो, साहब बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया। अब मन से तो कछोट रहा है, काय को मुंबई छोड़ के यहाँ आ गए बताओ। हमारी छाती पे मूंग दलने आए, इससे तो मुंबई में अच्छे थे। पांडे तारा में क्या कर रहे हैं, सबकी सब इकट्ठे हो गए, ना जाने आपको कितनी जमीन और खरीदेंगे। और सामने के सामने के, अच्छा हुआ आ गए, वैसे भी लॉकडाउन लग गया है महाराष्ट्र में, तुम लोगों का तो यहाँ आना अच्छा था। पर अंदर से सोच रहे काय को आ गए, भीतर से सोच रहा बाहर से अच्छा। अच्छा तुम सोच तो रहे होगे महाराज कैसी कथा बाचे राम, अब ऐसी बाचे महाराष्ट्र का तो काम नहीं। पर अपनी जीवन में सत्यता को थोड़ा सा लाओ। अरे ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो, ब्रह्मदेव ने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ, केतकी का फूल झूठ बोल रहा है, तो गौ माता से पूछ लो। गौ माता को खड़ा करा, भगवान शिव ने पूछ लिया, बोल गौ माता क्या ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का सिर देखा है, तो गौ माता बोली हाँ ब्रह्मा जी ने सिर देखा। अब तो भगवान शिव को क्रोध आ गया, अरे गौ माता तू जगत की माँ कहलाती है, दुनिया के लोग तुझे पूछते हैं गौ माता, और तू कह रही है कि शंकर जी का सिर ब्रह्मा ने देखा है, मेरे सामने इस शंकर की साक्षी में तूने झूठ बोला है गौ माता, मैं तुझे श्राप देता हूँ गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख आपूज्य माना जाएगा। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होगी पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से होगी। हिंदू धर्म में सारा दान, कन्यादान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, अन्नदान, सारा दान आगे से होगा पर गाय का दान पूंछ पकड़कर पीछे से होगा, क्योंकि तूने झूठ बोला है, तू असत्य बोली है। और तू असत्य क्यों बोल रही है, तो तू असत्य बोलने का कारण तेरा है क्या, क्यों असत्य बोली, केवल एक रोटी के लिए। और यही तो मनुष्य साहब मानव करता क्या, एक रोटी के लिए असत्य बोलता है, एक रोटी के लिए झूठ बोलता है, एक रोटी के लिए असत्यता का बिंदु पकड़ कर बैठता है, केवल एक रोटी के लिए। अरे भाई पिछली बार कोरोना महामारी में जब लॉकडाउन पड़ गया था, किराने की दुकान खुलियां थी, औषधि मेडिकल खुले हुए थे, दूध की दुकान खुली हुई थी, केवल फल फ्रूट की दुकानें खुली हुई थी, उस समय पर दुनिया के लोगों ने अपना भंडार भरने के लिए एक रुपए की चीज को चार रुपए महंगा कर दिया था। और अभी भी वही हो रहा है, मेडिकल वाले अभी भी एक रुपए की दवाई को दस रुपए ऊपर बताकर बेच रहे हैं। पर कितना बेचोगे साहब और कितना कमा लोगे, और मान लो वही जो दुनिया को बीमारी हो रही है अगर तुम्हें हो गई और मालूम पड़े वो तो महंगी सस्ती खरीद कर उसने तो कैसे पार कर कर कोरोना से लड़कर बाहर निकल गया, और मालूम पड़े जो तुमने
असत्य बोलकर, झूठ बोलकर, छल कर कर, बेईमानी कर कर थोड़ा सा रुपया ज्यादा कमा लिया और मालूम पड़े एक ही औलाद थी और निपट गई तो क्या कर लोगे? इसलिए सत्य भाव में जितना कमाना है बाद में कमाना, एक का दो बाद में करना, चार का दस बाद में करना, पर जब तक सारा विश्व हाहाकार कर रहा है तब तक जितना बन सके उतना दुनिया के लोगों को सपोर्ट करना, दुनिया के लोगों को सहयोग करना। ये कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरा जीवन पड़ा है सब कमाने के लिए। किराने का भाव बढ़ा देना बाद में, पर अगर अब लॉकडाउन पड़ रहा है तो उतने में ही सामान बेचना जितने का है, भले दो रुपया कम कर दो, अपनी तरफ से दान और पुण्य करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि ना जाने कौन सा धन आएगा, मालूम पड़े सब उजाड़ कर ले जाएगा। उस धन को बचाने का प्रयास करिए साहब। शिव महापुराण में एक कथा पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं। एक राजा बीमार पड़ गया, उस नगर के एक व्यक्ति का काम था, उसके पास में कमाई होती थी तो वो पैसा इकट्ठा कर कर बाजार में जाकर कोड़ियां खरीद कर लाता था। कोड़ियां देखिए, वो ऐसी छोटी छोटी कोड़ियां होती हैं, कोड़ियां खरीद कर लाता था और उन कोड़ियों को खरीद कर लाता और कोड़ियां ले जाकर ढेर सारी इकट्ठी करते जाता। पत्नी कहती, इतनी कोड़ियां क्यों ला रहे हो? पति बोला, कोड़ियां आन दे अपना, क्या जा रहा है। इकट्ठा करता गया, बारदान पर बारदान भरता गया, बोरे बोरे भरता गया, खूब कोड़ियां इकट्ठी कर ली। एक दिन नगर का राजा बीमार पड़ गया। अब नगर का राजा बीमार पड़ा, वेदों ने, औषधि देने वाले डॉक्टर ने कह दिया कि राजा का एक ही इलाज है, कोड़ियां लाओ, उसमें आग लगाओ, उसकी राख तैयार करो, राजा के शरीर पर मलो। राजा के शरीर पर मलोगे, राजा ठीक हो जाएगा। अब कोड़ियां देखी तो बाजार में नहीं थी, नगर में देखी नहीं थी, भंडार गृह में देखी नहीं थी, कोड़ियां कहां गई? ढूंढ रहे हैं सब। किसी को मालूम पड़ा कि गांव का व्यक्ति रोज सवेरे आता है और बाजार में से सारी कोड़ियां खरीद कर ले जाता है। उसके पास पहुंचे, तुम्हारे पास कोड़ियां? हाँ, पर मेरे पैसे की, मैंने इकट्ठी करी, मैंने पैसे से लाया हूं, फ्री की नहीं है मेरे पास। सारी कोड़ियां तुम्हारी है? हाँ। राजा बीमार पड़ा है, थोड़ी कोड़ियां दीजिए, ले जाओ। उन्होंने कहा, झोला खोलिए, बैग खोलिए। इसने अंदर से कोड़ियां लाया, बारदान में से थाली पर हाथ फेरा, कोड़ी डाल दी, फिर लाया, फिर कोड़ियों पर हाथ फेरा, फिर कोड़ियां डाल दी। राजा के दूत कहने लगे, ए पागल, मूर्ख है तू, बेवकूफ है, कोड़ियां लाकर दे रहा है तो थाली पर हाथ क्यों फेर रहा है? डायरेक्ट लाला के डालता क्यों नहीं है? पूरा बारदान उठाकर क्यों नहीं दे देता? पूरा बोरा उठाकर क्यों नहीं दे देता? पूरा बैग उठाकर क्यों नहीं दे देता? महाराज, ये कोड़ियों में मैं वो कोड़ी ढूंढ रहा हूं, ना जाने कौन सी एक कोड़ी ऐसी आ गई जो मेरी इतनी कोड़ियों को रखी रखाई कोड़ियों को लेकर चली गई। वो गांव का व्यक्ति सोच रहा है कौन सी कोड़ी थी, उस कोड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। यही हमारी जिंदगी है। कोई बेईमानी की ऐसी कोड़ी तुम्हारे घर में ना आ जाए कि मालूम पड़े रखा रखाया भी सब लेकर चले जाए। कोई सत्य की कोड़ी ऐसी आती है, ईमानदारी की कोड़ी कोई ऐसी आती है, पुण्य की कोड़ी कोई ऐसी आती है, एक धन एक रुपया कोई सत्कर्म का ऐसा आता है कि घर में गांव में परिवार में शिव महापुराण की कथा करवा देता है। कोई रुपया कोई कोड़ी ऐसी आती है जो सत्कर्म में लगा देती है, और कोई कोड़ी ऐसी आती है जो रखा रखाया भी बर्बाद कर कर चली जाती है। बगल परिवार को तो सोचना चाहिए कि पुण्य की कोई कोड़ी आपके पास आई होगी जो भगवान शंकर की कथा हो गई। तो कोई ऐसा धन मत कमाना, एक का दो कर मत कमाना। इस कोरोना महामारी में दुनिया का सपोर्ट करो, सहायता करो कि कोई धन ऐसा ना आ जाए कि मालूम पड़े हमारा रखा रखाया भी चला जाए, हमारी पूंजी हमारा जीवन सब समाप्त हो जाए। उस कोड़ी को ढूंढना। फिर मत करो एक का दो, थोड़ा समय रुक जाओ भाई, थोड़ा बहुत विचित्र समय, थोड़ा सा निकालो, अपने से बन जाए थोड़ा सहयोग कर दो। अभी मन का धन कर लोगे पर आगे तो रोना है। फिर वही बात आ गई, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा
भगवान की आंखों से तू बच नहीं, जम के बोलो बच नहीं, वो तो देख कर आए ना। कई लोगों को तो मौका मिला है कि अच्छा है कोरोना आ गया तो हम कमा लेंगे, कमा लो, पर हिसाब तो देना पड़ेगा। भगवान भी कहेगा तेरा क्या होगा रे, आगे तो बोलो कालिया होगा क्या, हिसाब तो लेगा। और वो जब हिसाब लेता है ना तो दिखता नहीं है, हिसाब जब लेता है ना उसकी मार दिखती है, ना उसका डंडा दिखता है, ना उसके शब्द दिखते हैं। जब वो हिसाब लेता है तो आंख में से केवल आंसू बहते हैं और व्यक्ति तड़पता है, भीतर से रोता है जब वो हिसाब लेता है। उसके हिसाब की इंतजार करना, बस इसलिए निवेदन है जितना बन सके 10 का 20 ना करिए, थोड़ा बढ़ाओगे चल जाएगा, 1 का 54 बढ़ा लोगे, 2 रुपया बढ़ा लोगे चल जाएगा, पर ज्यादा नहीं बढ़ाना भाई मत। तो झूठ बोलिए, गाय की आंखों में अश्रु भर गया, गौ माता रो पड़ी, आंखों से आंसू निकल रहे हैं गौ माता के। केवल मनुष्य नहीं रोता, केवल मानव की ही आंख में आंसू नहीं आते, जीव भी रोता है, जीव भी रोता है। बस मनुष्य रोता भी है और मुस्कुराता भी, बोलो सही है कि गलत है? पर कोई जानवर, कोई जीव मुस्कुराता है क्या? नहीं, वो रोता हुआ उसके आंसू दिख जाएंगे पर मुस्कुराता हुआ नहीं दिखे। और सीखो थोड़ा सा मुस्कुराना अपनी जिंदगी में, रोने की कला सिखाई नहीं जाती, भगवान पैदा करते से ही भेज देता है कि रोना है। रोना कोई सिखाता है क्या? अरे बोलो जम के, रोने की कला कोई नहीं सिखाता, पैदा होते से ही मां के गर्भ से बाहर निकलते से काय काय कर कर रोना पड़ता है, कोई नहीं सिखाएगा, पर मुस्कुराने की कला सिखाना पड़ती है और मुस्कुराना सीखना पड़ता है। वो सीखना पड़ेगा। बस इस चित्तवृत्ति से हम अपने भी चेहरे पर प्रसन्नता लाएं और दूसरे के चेहरे पर भी प्रसन्नता लाएं। ब्रह्मा तुम्हारी जरा सी गलती में तुमने झूठ में शामिल करा गौ माता को, केतकी को शामिल करा, आखिर में उनको रोना पड़ा। ये रोना दूसरे की संगत से हो रहा है, दूसरे की संगत, किसी ऐसे का संग मत पकड़ना कि बाद में रोना पड़े। कई लोग झूठ बुलवाने के लिए एक आदमी को साथ में लेके जाते हैं, बोल सही है कि नहीं, मैंने ऐसा किया था कि नहीं, तो बेचारा साथ वाले को भी साथ देना पड़ता, हाँ वो साहब, और उसने मुंडी हिलाई तो यहाँ कथा कह रही है, ब्रह्मा का साथ गौ माता ने दिया तो उसको रोना पड़ा, केतकी के फूल ने दिया तो केतकी के फूल को रोना पड़ा। झूठ बोलने का साथ कभी मत दो, सत्य बोलने का प्रूफ देने के लिए अगर कोई बुलाए तो चले जाना, पर झूठ बोल ऐसा हुआ कि नहीं, और उसको भी झूठ बोलना पड़ता, हाँ सब, हाँ। एक लड़के को देखने के लिए एक लड़की वाले आए, और लड़की वाले आए बेचारे 4 लोग और लड़के वाले बैठ गए 20 लोग, और सब लड़के वाले की तारीफ करे, क्या जोरदार लड़का साहब, खूब जोरदार है काम धाम, बहुत बढ़िया, इनकी फैक्ट्रियां चल रही है जोरदार, अच्छा
दुकान धंधा पानी बहुत बढ़िया, अच्छा लड़का देख लो कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया, काम धाम भी बहुत बढ़िया, अच्छा हो, और लड़के के रिश्तेदार भी बहुत बढ़िया, अच्छा सब तारीफ कर रहे हैं, सब दिखने में भी अच्छा है। तो फिर किसी ने पूछा बोलचाल में अच्छा है कि नहीं है, बहुत बढ़िया बोलचाल में भी अच्छा। अच्छा लड़के को सिखा के बोला था कि बोलना मत ही, तू वह चुपचाप बैठे देना, तू मत बोल। अब वो लड़की की एक छोटी बहन साथ में आई थी, छोटी बहन गई कि हमारी जीजी के लिए हम आपको पसंद करने आए हैं, पास में जाके बैठ गई, पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने बोलना चालू करा, फूल चाल, अब एक घंटे तक तो फूफू बोला और बाद में बोला फूलचंद। लड़की वापिस आकर अपने मम्मी से बोली है, अटका है, अटका है। अब क्यों छुपाना भैया झूठ, सत्य है, सत्य बोलिए। हम तो कई बार कहते हैं दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली मत बोलिए, हम कई बार कहते हैं होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली मत कहिए, डायरेक्ट जाकर कहिए राम नाम सत्य है, व्यक्ति जिंदगी में थोड़ा सत्यमय जीवन जिए, अच्छा जिए। सत्य की जिंदगी जियो और उस परमात्मा के सामने अपनी सारी गुनाहों को, उस परमात्मा के सामने अपने किए गए पापों को, हमारा निवेदन रहता है शंकर के मंदिर में जब जाओ एकांत में बैठकर बाबा को अपनी सारी गुनाहें गिनवा दो, अपनी सारी गलतियां गिनवा दो, मैं पापी, मैं कपटी, मैं छली, मैं प्रपंची, मैंने बहुत गलत काम किया है, पर हूं तो आपका हूं, आपने बनाया, आपने पैदा करा और आपने जैसा बनाकर वेदा में बैसा हूं, बाबा से कह दो, विनती करो, निवेदन करो। आज ये कोरोना महामारी में आप अपनी गलतियों को परमात्मा के सामने कहो ना कि मैं गलती कराऊं, मैंने छल करा, मैंने कपट करा, मैंने बेईमानी करी, मैंने प्रपंच करा, मैं झूठ बोला, मैंने दुनिया पर उंगली उठाई, मैंने दुनिया में ऐप देखे। अरे भाई एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, गुलाब के फूल को देखा तो कहता कितना सुंदर गुलाब का फूल है, पर इसमें कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। आगे गया कोयल कूक रही थी, कितना सुंदर बोलती है, पर कोयल काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। समुद्र का जल देखा, इतना सुंदर पानी, पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। हर एक चीज में अब देख रहा है, हर एक चीज में गलती देख रहा है। इतने में गुलाब का फूल, कोयल और समुद्र का जल तीनों ने मिलकर कहा, रे मनुष्य तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। हमें ऐब देख रहा है, हमें बुराई देख रहा है कि कांटे नहीं होते, काली नहीं होती, खारा नहीं होता, पर अपने भीतर भी तो कपट देखो कि हमारे भीतर कितना भरा हुआ, हम कितने छली हैं, हम कितने कपटी हैं, हमारे भीतर कितना प्रपंच भरा है। अरे भाई कहना सरल है पर धारण करना कठिन है। अपने भीतर को टटोलो थोड़ा सा, अपने भीतर शंकर को बिठाओ और भीतर को टटोलो, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी। कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कावड़िया मेरे, मेरा कोई। वैभव का हो रहा है, तुम्हारा आदर होता होता तो जब तुम गरीब थे तब आदर होना था, आदर तब होना था जब कुछ नहीं था, देख लिया, समझ गए। दक्ष प्रजापति की उस सभा में दक्षायनी ने अपना शरीर कुंड में सौंप दिया। जब दक्षायनी यज्ञ की अग्नि में कूदी
तब वो कहलाई सती, तब तक वो सती नहीं थी, कूद गई। शिव जी को मालूम पड़ा, शंकर भगवान क्रोध में लाल हो गए, गणों को भेज दिया। दक्ष प्रजापति का शीश कटकर अग्नि में गिर गया। देवताओं ने शंकर जी की स्तुति करी, भोलेनाथ कृपा करो, इनका शीश जोड़ना जरूरी है, अगर यजमान जीवित नहीं होगा तो फिर यज्ञ कैसे होगा। तब यजमान